राज्य की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर देखना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आप राजधानी को ही देख लीजिए। ऐसे में पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा तो आप लोग लगा ही सकते हैं, जो कि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के नीतीश सरकार के दावों की भी पोल खोलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवादा जिले के रजौली अनुमंडलीय अस्पताल की, जहाँ की स्वास्थ्य सेवा इतनी बदहाल है कि महिलाओं के बांध्याकरण के बाद सभी मरीजों को जमीन पर ही सोने को मजबूर कर दिया गया। देखा जाए तो ये स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। परिवार नियोजन के तहत बांध्याकरण के ऑपरेशन के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर मरीजों का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद अस्पताल का लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन मरीजों की जिंदगी दांव पर लग गई। कड़ाके की ठंड में जब लोगों को अलाव और गर्म कपड़े की जरूरत महसूस होती है, तो ऐसे वक्त में बांध्याकरण करा चुकी महिलाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी, ये तो सोचने वाली बात है। मरीजों के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में बेड नहीं है, ऐसा कहकर जमीन पर ही सोने के लिए मजबूर कर दिया गया। ऑपरेशन कर रहे, ऑपरेशन हो गया है तो जमीनिया में पार दल के सबके बेड उड़ने दल के है और सुइया दवाई दल के है, बेड नहीं मिल रहा है, जमीन में सुलाई हुई है, कितना बजे ऑपरेशन हुआ। हालांकि मीडिया को सूचना मिलने के बाद सिविल सर्जन बिमल प्रसाद मामले की लीपापोती में लग गए और मरीजों को अनुमंडलीय अस्पताल में शिफ्ट करने की बात कही। एसडीओ ने भी बीडीओ प्रेम सागर मिश्रा को मामले की जांच करने का निर्देश दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि रजौली अनुमंडलीय अस्पताल में 75 मरीजों के लिए बेड उपलब्ध है, उसके बाद भी इस तरह की लचर व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग सहित नीतीश सरकार पर भी कई सवाल खड़े करती है। नवादा से रामजी प्रसाद के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।